उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन व मातृ शिशु कल्याण महिला संघ द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल के सीएमओ कार्यालय पर 1 दिवसीय सामूहिक उपवास का कार्यक्रम किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राकेश पाठक ने बताया कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की कई मांगे हैं जो पिछले कई सालों से लंबित हैं, लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगाया गया लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि इस उपवास के बाद अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 16 जनवरी को लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का घेराव कर आमरण अनशन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राकेश पाठक एवं मातृ शिशु कल्याण महिला संघ की प्रांतीय अध्यक्ष मीरा पासवान ने कहा, राकेश पाठक जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन जिला शाखा गोरखपुर। ये हम लोग का 1 दिन का सामूहिक उपवास कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन एवं मातृ शिशु एवं कल्याण महिला संघ का संयुक्त उपवास का कार्यक्रम है। हमारी कुछ मांगे हैं जो पिछले कई सालों से लंबित हैं, कुछ समस्याएँ हैं वो भी लंबित हैं और हम लोग लगातार शासन प्रशासन से इसी गुहार लगाते रहे हैं लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं किया गया है। उसी क्रम में हमारा ये तीन स्टेप का कार्यक्रम रखा गया था। एक हमने विगत 21/11/2022 को सीएमओ को ज्ञापन दिया था और ये 12/12/2022 को आज हमारा 1 दिन का पूरा सामूहिक उपवास का कार्यक्रम है। दोनों हमारे संघों का संयुक्त कार्यक्रम है और अगर अभी भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी 16/1/2023 को हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री पाठक जी का जो है घेराव करेंगे वहाँ और उनके यहाँ हम लोग आमरण अनशन करेंगे। क्या मांगे में हमारी मेन रूप से एक वेतन विसंगति का मुद्दा है जिसमें एक ही पद पे 2 वेतनमान दिए जा रहे हैं। 30 नवंबर 2011 के पहले जो लोग नियुक्त हैं उनको अलग वेतनमान दिया जा रहा है और उसके बाद जो लोग नियुक्त हैं उनको अलग वेतनमान दिया जा रहा है। ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। प्लस महिलाओं और पुरुषों के प्रमोशन का मुद्दा है। महिलाओं का प्रमोशन बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है। प्लस हमारा एक जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है। प्लस हमें मोटरसाइकिल भत्ते का मुद्दा हमारा है। इसी तरह से और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा नाम मीरा पासवान है, मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं स्वास्थ्य विभाग से एनएम के पद पर हूँ, बीएडब्ल्यू मेल संघ की फीमेल की। मैं अपने 7 सूत्री मांगों पर यहाँ पर धरने पर बैठी हूँ। इसके पहले हम लोग 21 नवम्बर को ज्ञापन में दे चुके हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग 12 दिसंबर को 1 दिन का उपवास व्रत रहेंगे योगी जी के फोटो को रखते हुए। दूसरी बात है, अगर इसमें नहीं, हमारी आज भी मांग नहीं सुनी गई और शासन प्रशासन में हमारी बातों को समझा नहीं गया तो हम लोग फिर 16 जनवरी 2023 में अपना इसी तरह से उपवास व्रत उप मुख्यमंत्री राकेश ब्रजेश पाठक के आवास पर किया जाएगा।